हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आज हम पाठ 7वां खुला आकाश देखेंगे, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। अभी तक यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अब हम यह पाठ देखेंगे। ये पूरक पठन है और इसमें लेखक का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, लेखक का जन्म जो है 1927 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, उनकी मृत्यु 2017 में लखनऊ में हुई। और परिचय दिया है, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, मतलब वो कवि हैं। इसके अलावा आपने कहानी लेखन, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है, मतलब उन्होंने कविता, एक्चुअली में वह कवि हैं और लेकिन उन्होंने कहानी भी लिखी है, बहुत सारे लेख लिखे हैं, समीक्षा की है बहुत सारी कहानियों पे या बहुत सारी बातों पर, सिनेमा, रंगमंच इनके लिए भी उन्होंने लेख लिखे हुए हैं। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी बहुत सारी सारी कहानियाँ विदेशी भाषाओं में भी जो हैं उनका अनुवाद करके दी गई हैं। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है, और भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च जो सम्मान है ज्ञानपीठ, वो पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे उन्होंने इस पाठ में क्या दिया है वो हम देखेंगे। गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए। यह एक्चुअली में उन्होंने एक डायरी में से लिए हुए उनके कुछ विचार हैं, जो जैसे जीवन के संघर्ष के बारे में हैं, साहित्य के बारे में, आत्मचिंतन है, जीवन क्रम है, उनके ऊपर जो भी विचार हैं वो इन्होंने इस पाठ में हमें दिए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए, यानी हमसे यदि कोई गलती हो जाए या कोई बात हमारी सोचने में आती है तो सबसे पहले हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हमें खुद से उस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि बाहर की दुनिया में। देखिए अब इसमें हमें पाठ शुरू करेंगे। इसमें पहला विचार देखिए हमें अंदर की दुनिया के बारे में है, हमारे अंदर की दुनिया, ये जो विचार है ना उन्होंने देखिए 10 मार्च 1998 में लिखा है। अब अंदर की दुनिया क्या है, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है, हम उसका विस्तार नहीं करते, ये बात सही है। देखिए हम जब भी खाली बैठते हैं ना, हमारा मन विचारों से भरा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ विचार हमारे चलते ही रहते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमारा जो अंतर मन है वह बाहर की दुनिया से बहुत बड़ा है, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से भी बड़ी है, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने अंतर मन के बारे में सोचने की बजाय, और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं, स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। लेखक कहते हैं कि हम अपने अंतर्मन को आज़ादी से बहुत विचारों से हम सोच सकते हैं, अपने अंतर्मन में बहुत सारे विचार जो आते हैं उनके ऊपर बहुत सारी बातें हम अच्छी अच्छी सोच सकते हैं, तो हम अपने अंतर्मन में खराब बातें ना सोचकर अच्छी बातें सोचें और दूसरे लोगों के लिए भी निस्वार्थ रूप से हम विचार करके अच्छे काम करें, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। दूसरा देखिए, मकान पर मकान, यह भी विचार है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता, उस गली में पेड़ भी नहीं है, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है, मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। ये लेखक ने आजकल की शहरी जीवन के बारे में बताया है कि जहाँ पर वो रहते हैं ना वो एक गली है लेकिन पूरी मकानों से भरी हुई है, वहाँ एक भी पेड़ पौधा लगाने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती, और लनफन मकानों की बहुत बड़ी भीड़, मतलब एक से एक, ऊपर से नीचे, मंजिलों पे मंजिल, सब मकान ही मकान बने हुए हैं, जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ, मतलब वो बोलते हैं कि वो इतनी मकानों की भीड़ है कि ऐसा लगता है वो भीड़ किसी सकरी गली में फंस गई हो, जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं
सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। जब हम घर के बाहर झांकते हैं तो क्या होता है, हमें बाहर का नज़ारा दिखाई देता है ना। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने मकान के बाहर झांकता हूँ तो मुझे दूसरों का मकान दिखाई देता है, बाहर की दुनिया तो कुछ दिखती ही नहीं है, और गंदी और तंग गली भी दिखाई देती है। चिड़िया दिखती हैं लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। अब जब वहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है तो बेचारी चिड़िया आएंगी भी तो कहाँ बैठेंगी, तो वो बिजली के तारों पर टेलीफोन के तारों पर ही बैठी हुई दिखाई देती हैं। उन्हें देख कर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हों या चों चों की आवाज़ें निकाल सकते हों। अब वो चिड़ियाँ भी तारों पर बैठी हुई कैसी दिखाई देती हैं, जैसे प्लास्टिक या रबड़ के कोई खिलौने बैठे हुए हैं और चों 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 चिल्ला रहे हैं। आगे देखिए, मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से बिजली या टेलीफोन के उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। ये विचार किसके हैं, एक शहरी व्यक्ति के, जहाँ तंग मकानों की गलियाँ हैं और ऐसे में इंसान वहाँ पर ऊब जाता है और जल्दी ही ऐसी जगह से निकलने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह लेखक का मन भी कर रहा है। आगे देखिए, सही साहित्य क्या है। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। अब लेखक साहित्य के बारे में क्या बताते हैं कि अच्छा साहित्य, सही साहित्य वही है जिसे हम दोनों आँखों से पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक आँख से हमने पढ़ लिया और दूसरी आँख से छोड़ दिया, ऐसा नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से मग्न होकर दोनों आँखों से पढ़ना, मतलब दिल दिमाग आँखों से पढ़ना, अच्छी तरह से उसे पढ़ना, वही सही साहित्य माना जाता है। यह विचार उन्होंने लिखे हैं 8 अगस्त 1998 में। अब देखिए, जाने खुद को, इसमें क्या लेखक ने लिखा है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी इस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। आत्मचिंतन करना मतलब अंदर अंतर मन में सोचना, अपने अंदर ही अंदर सोचना। तो लेखक कहते हैं खुद को जाने, कैसे जाने कि बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, दूसरे कोई किसी के बारे में हम विचार ना करें। हाँ, और इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम अपने को जान पाए सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। जब हम आत्मचिंतन करेंगे तो हम स्वयं को जानेंगे, क्यों, क्योंकि हम स्वयं के बारे में ही सोच रहे हैं, तो हम अपने बारे में जानेंगे कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये सब विचार हमारे अंदर आएंगे। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते, वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते। अब जब दूसरों के लिए हम सोचते हैं तो क्या होता है, वो आत्मचिंतन नहीं होता, वो हम सोच तो लेते हैं लेकिन ढंग से हम दूसरों की मदद भी नहीं कर पाते। तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे। आत्मचिंतन करके हमें समझ में आएगा कि हम निस्वार्थ रूप से सभी की मदद कैसे कर सकते हैं। अपने आप को पहले हम जान लें, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में, जैसे हम अपनी सोच समझ में भरोसा रखते हैं वैसा हम दूसरों की सोच समझ में भी भरोसा रखें, ऐसा यह लेखक हमें कहते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हमने सभी के लिए पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक मतलब हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यह सोचना चाहिए कि वह भी हमारी तरह अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान के लिए जिस तरह हम अच्छा सोचते हैं उसी तरह हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। यह विचार है 12 नवंबर 1998 का। आगे हम देखते हैं, सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी, बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गायें, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। देखिए कितने सुंदर विचार लेखक ने लिखे। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर ना बहुत सारी बातें कही जाती है। देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी पर हावी होता है, अपना साहसीपना दिखाता है,
शूरवीरपना दिखाता है। तो उसमें हम लोग किस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। अगर वो साहसी है तो देखो वो बाघ की तरह साहसी है, भेड़िया है तो देखो वो भेड़िए की तरह किस तरह से तंग कर रहा है किसी को, लकड़बग्घा है, सांप है ना, ये इस तरह के शब्द हम अक्सर यूज़ करते हैं। बिल्कुल देखो वो तेंदुओं की तरह है, वो बिच्छू की तरह है, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हम यूज़ भी करते हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए उदाहरण देते हैं, खासकर मनुष्य मनुष्य के लिए उदाहरण देता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सीधा है तो बोलेंगे देखो कितना गाय की तरह इंसान है ना, या फिर बकरी की तरह मैमे कर रहा है, भेड़ की चाल में चल रहा है। ये शब्द हम आम जिंदगी में सुनते ही रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम सारी गाय अगर गाय हैं, सारे बाघ अगर बाघ हैं, प्राणी अगर प्राणी ही हैं, तो हम भी मनुष्य मनुष्य ही रहने दें। हम किसी मनुष्य को किसी तरह की किसी जानवर की उपमा ना दें, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। तो ये कैसा है, सिर्फ मनुष्य होते, मतलब हम अगर किसी प्राणी की उपमा किसी इंसान को ना दें, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। आगे देखिए, लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त ना पसंद है। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने जीवन को बहुत अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। अंदर का जीवन जो रहता है, जो जैसे घर में रहते हैं, या आमतौर पर खुद का जो जीवन है वह बाहर की लोगों की दुनिया से छुपा कर रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा जीवन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जो है वह सहज और खुले ढंग से बोलो और खुले ढंग से जियो। यह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम दे देते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं ये व्यवहार कुशलता है कि नहीं, हमें अपने अंदर की बातें, अपने जो भी अंदर के विचार हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए, अंदर की बातें नहीं बताना चाहिए। तो लेखक कहते हैं ये अपनी चारित्रिक बेईमानी, जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बाहर भी रहो, मतलब बाहर की दुनिया में भी आप सहज रहो। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है, कहीं लोग हमारी असलियत को ना जान जाएं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो, या हम किसी चीज़ की जीवन में कमी होने की वजह से हम अपने आप को कम महसूस करते हैं, तो लेखक कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा दिखाई देता है जैसे हमें आत्मविश्वास की पूरी तरह से कमी है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। लेखक कहते हैं कि अगर जो चीज़ असली है वो असली है, हमारे पास अगर कुछ नहीं है जो बाहर की दुनिया में चाहिए नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम असलियत को ना छुपाएं। जीने का अर्थ देखिए, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। लेखक क्या कहते हैं, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे लाइफ के या मेरे जीवन के थोड़े ही वर्ष बचे हुए हैं, इसलिए मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि दुनिया में छोटे हों बड़े हों, किसी पर भी इस तरह का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह तो पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितने दिनों का है। इसलिए जब तक भी हम जिएं, चाहे बुढ़ापे में हो, हमारे यौवन के समय में हो, या मतलब हम जवान हों, चाहे बच्चे हों, लेकिन हमें अपने काम करते ही रहना चाहिए। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, ज़िंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लेखक कहते हैं कि अगर हमने यह सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के जो भी दिन हैं उन्हें हम अच्छी तरह से जिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ऐसा कुछ काम करें जिससे कि दूसरों का भी फ़ायदा हो, अपना तो फ़ायदा हो ही लेकिन दूसरों का भी फ़ायदा हो। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। और इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं जब भी काम करता हूँ या कुछ साहित्य लिखता हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, तब तक मैं अच्छा साहित्य लोगों में दे सकूँ और अच्छा जीवन जी सकूँ, यही मैं अपने जीवन का अर्थ रखता हूँ। इसी तरह सभी ने अपने जीवन का अच्छा अर्थ रखना चाहिए, ऐसा कवि लेखक हमें समझाते हैं। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, ऐसा हुआ भी है,
मेरे साथ। तब तो या अब यह सवाल अपनी जगह बना रहता है और कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। अब 23 जनवरी 2002 का ये विचार है जिसमें उन्होंने, लेखक ने क्या बताया कि मैं 75 साल का हो गया हूँ और अभी मुझे मालूम है कि मेरे जीवन के कुछ वर्ष शेष होंगे, लेकिन मैंने जीना बंद नहीं किया। मतलब मैंने अपना जो भी काम है, चाहे वो साहित्य से हो, कविता से संबंधित हो, मैंने हमेशा किया है और मैं करता भी रहूँगा कि अपने जीवन को सार्थकता से पॉजिटिवली मैं जीऊँ, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में दो पांव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। अब दिल्ली शहर की जो भीड़ है उसके बारे में लेखक हमें यहाँ बता रहे हैं कि दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए वो शहर इतना चलाए माने दिन भर वहाँ हलचल रहती है, तो लेखक कहते हैं कि ऐसे शहर में मकान का पाना बड़ा मुश्किल है। अगर मिला भी मुश्किल से तो जैसे दो पायदान होते हैं ना, उनका जो साइज़ रहता है बस उसी तरह का मकान कहीं मिल जाता है और फिर बस उसमें लटके रहो, मतलब बस उसमें खड़े रहो, इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करो और फिर इस दुनिया से निकल लो या फिर कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ, इस तरह का अर्थ हमें लेखक समझाते हैं। मतलब बताते हैं कि शहरी जीवन आजकल इतना संघर्षमय हो गया है कि हमें यदि मकान भी ढूंढना है तो वह भी जीवन का एक संघर्ष लगने लगता है। आगे देखिए, बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जनवरी 2006 का ये वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य कि ये बात सच है कि अगर हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है, जिस काम को करने का शौक रहता है, उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और यदि किसी ने हमें कुछ काम करने के लिए कहा या कुछ अलग से काम हमें करना पड़े तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बहाने बना लेते हैं, बहाने निकाल लेते हैं। अपने से बहस, बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक क्या कहते हैं कि बहस हमें दूसरों से नहीं अपने से, अपने विचारों से हमें बहस करनी चाहिए। अगर हम दूसरों से बहस करेंगे तो वहाँ झगड़ा होगा, है ना, और अपने विचारों से हम बहस करेंगे तो हमें सही राह मिलेगी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो रास्ता हमें मिलेगा। इसलिए हमें बहस अपने से करनी चाहिए। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा है। देखिए लेखक ने कितने सुंदर वाक्य कहे कि लेखक ने कंप्यूटर को नहीं ख़रीदा, लेकिन कंप्यूटर ने लेखक को 40,000 रुपये में ख़रीदा। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि अगर हम संगणक जैसी या कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो हम उसके इतने आदि हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो कंप्यूटर मालिक है और हम उसके नौकर हैं। इसी तरह जिस तरह आज हम मोबाइल की स्थिति देखते हैं, ऐसा लगता है वो मोबाइल हमारा मालिक है और हम उसके नौकर हैं। वो हमें डायरेक्शन देता जा रहा है, ये करो और हम करते ही चले जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से हम उसी के गुलाम हो गए हैं। आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरों को सिर उठका कर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा, है ना। कंप्यूटर अगर मिल गया तो हम यही सोचते हैं अरे हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, हमें बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, बस हम यही समझते रहते हैं ना। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्ज्वल भविष्य, उसी में हम लगे रहते हैं। कंप्यूटर आया है, लैपटॉप आया है, मोबाइल आया है, बस उसी में हम लगे रहते हैं कि अभी इसकी वजह से मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो लेखक कहते हैं यह सरासर गुलामी ही है, सीधी सीधी गुलामी ही है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। अब देखिए मोटर भी खरीदी, कार हो मोटर हो, लेखक ने खरीदा होगा। तो लेखक कहते हैं कि वो लेखक ने नहीं खरीदी, मैंने नहीं खरीदी है, वो किसने खरीदी है, मोटर ने मुझे खरीदा है, उसकी सेवा में भी हूँ। देखिए हमें अगर हम अगर किसी तरह कोई वाहन खरीद लेते हैं तो हमें उसकी भी बहुत सेवा करनी पड़ती है। चीज़ों, दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ, है ना। घर में फ्रिज हो या फिर
टीवी हो, जो भी हमारे घर में हो, हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम उसी की सेवा कर रहे हैं। फ्रिज है तो उसका मेंटेनेंस के लिए उसे साफ़ करना है, ख़राब हो गया तो सुधरवाना है, मतलब हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था, उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम है। लेखक ने कितना अच्छा वाक्य कहा है कि पहले एक मालिक होता था, उसके बहुत सारे गुलाम यानी बहुत सारे नौकर होते थे, लेकिन आजकल एक ही वस्तु के, जैसे हम उदाहरण ले लें मोबाइल, उसके हजारों गुलाम हैं। ये बात बिल्कुल सही है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक के लिए यह मोबाइल आज प्राथमिकता बन गई है। इसका मतलब हम सभी उसके गुलाम हो चुके हैं। तो यह है सुंदर विचारों वाला पाठ, पूरक पठन। और ये किस डायरी से लिए हैं ये विचार? दिशाओं का खुला आकाश। बहुत सुंदर पाठ था। आगे हम देखते हैं शब्द संसार। इसमें सकरी, सकरी मतलब पतली, कम, चौड़िया, तंग, हमने देखा ना तंग गली, सकरी गली। गोचर यानी कन खजूरा, इससे एक कीड़ा जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और छोटा कीड़ा। और लकड़बग्घा भेड़ियों की जाति का एक पशु, लकड़बग्घा भेड़ियों की ही जाति का एक प्राणी होता है। चलायमान मतलब चलता हुआ या चंचल। तो ये हमारे शब्द संसार, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्वाध्याय या प्रश्नोत्तर मिलेंगे।